सुलाते हुए दीवा में हमने जब अपना मुंह खोला था, माँ अम्मा कहके तब हिंदी में ही बोला था। उत्तर से दक्षिण तक हिंदी ही तो साथी है, बोले ना बोले कोई समझ सभी को आती है। देश जोड़ती मान बढ़ाती यही अपनी पहचान है, देश जोड़ती मान बढ़ाती यही अपनी पहचान है। हिंदी हिंद की भाषा है, हिंदी हिंद की भाषा है, इस पर हम सबको अभिमान है, इस पर हम सबको अभिमान है। नमस्ते, मैं स्नेहलगुन की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इस देश में कुल 22 भाषाएं हैं, पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जिसे हम हमारी राष्ट्रभाषा भी कहते हैं वह भाषा है हिंदी। यह भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव भरा क्षण था जब 14 सितंबर 1949 में भारत के संविधान सभा में हिंदी को भारत की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। पर आज चारों ओर अंग्रेजी का ही साम्राज्य छाया हुआ है। हमारी दिनचर्या गुड मॉर्निंग से शुरू होकर गुड नाइट पर खत्म होती है। जैसा हम सबको पता है कि अंग्रेजी कुल 1000 साल पुरानी भाषा है। इस भाषा को उस समय से ही बहुत सारा गौरव और सम्मान प्राप्त हुआ है, पर आजकल तो अंग्रेजी में बात करना ही एक ऊंचा स्तर बन गया है। दोस्तों, हम सब भारत के निवासी हैं, हमें इस देश के हर चीज, हर जगह, हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। हमें हमारी मातृभाषा को हमारी पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद अपनी मातृभाषा को सम्मान प्रदान नहीं करेंगे, अपनी भाषा को अपनाएंगे नहीं, तब तक कोई और अपनी भाषा को नहीं अपनाएगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी हमारी भाषा, हमारी पहचान है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम गार्गी जोशी है। मैं कक्षा 9वीं की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं आपको नारी जाति का इतिहास और बदलाव के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ। नारी जाति का इतिहास कई काल में बटा हुआ है। हर काल में नारी जाति ने बहुत कुछ अर्जित किया और दुर्भाग्यवश उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ा। इसकी शुरुआत वैदिक काल से होती है, जिसमें स्त्रियों को भी समाज में पुरुषों जितना ही मान सम्मान मिलता था, उन्हें भी शिक्षित होने की पूरी आजादी हुआ करती थी। स्त्रियों की स्थिति में मध्यकाल में गिरावट आई। सती प्रथा, बाल विवाह की प्रथा और इन सब प्रथाओं की वजह से महिलाओं का शोषण आरंभ हुआ और इन सब की वजह से स्त्रियों का मध्यकाल बहुत ही निराशाजनक गुजरा। नारी जाति के उत्थान के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है। आजादी काल में इन सब स्थिति में परिवर्तन आना आरम्भ हुआ। नारियों को फिर से शिक्षा लेने का अवसर मिला। आजादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, जीजा माता, रजिया सुल्तान जैसी कई महिलाओं ने अपना अनमोल योगदान दिया है। साथ ही सावित्रीबाई फुले ने भी नारियों के शिक्षण की पहल की थी। आधुनिक काल में इंदिरा गांधी, पीवी सिंधु, फोगाट बहने और जैसी कई महिलाओं ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है और अपने नाम का डंका बजाया है। इसी तरह स्त्रियां हर क्षेत्र में अपनी सूझबूझ के साथ यश प्राप्त कर रही है। हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उनके विचारों का मान रखें और उनका आदर करें। धन्यवाद। प्रभात मेरे फादर, मेरे गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, आज 14 सितंबर आज के दिन हम हमारे स्कूल में और कॉलेज में हिंदी दिवस मनाते हैं, पर कोरोना की वजह से हम घर में ही बैठे हैं, पर इंटरनेट की सहायता से हम अपने हमारे सुविचार आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदी के लिए है, इसलिए हमें सदैव हमारे भाषा का अभिमान रहना चाहिए। और सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।